इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि आखिर वो कैसे फैलता है, उसके क्या लक्षण हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं, और साथ ही जानेंगे 22 ऐसे देशों के बारे में जहां पर कोरोना वायरस फैल चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली है वायरसेस की जो पशु पक्षियों में बीमारियां कॉज करती है। कोरोना वायरस का नाम उसके शेप की वजह से रखा गया है जो कि है क्राउन शेप। क्राउन मतलब एक ताज के आकार का शेप, इसकी वजह से उसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। इंसानों में बीमारी करने वाले 7 तरह के कोरोना वायरस अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें जो नया स्ट्रेन चाइना में पाया गया वो भी शामिल है। तो बात करते हैं कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोरोना वायरस होता है एक एनवेलप्ड वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक और खास बात इसके बारे में कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, यानी कि इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहते हैं। इसकी वजह से इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस सामान्यतः सर्दी जुकाम करता है, लेकिन जो भी नया स्ट्रेन चाइना में पाया गया है वो इससे कुछ ज़्यादा ही सीवियर सिम्टम्स शो कर रहा है जो कि बहुत घातक है। इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। कोरोना वायरस अब चीन के साथ साथ कुल 22 देशों में फैल चुका है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग इससे पीड़ित हैं। अगर चीन में देखा जाए तो 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7,711 लोग इससे संक्रमित हैं। इसको देखते हुए WHO ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है जिसका मुद्दा है इफ द एपिडेमिक इज द ग्लोबल इमरजेंसी। तो अब सवाल यह है कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो जनरल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी के अध्ययन के अनुसार ये पाया गया कि यह वायरस सांप से आया है। जैसा कि आप जानते हैं चीन में सांप को खाने की तरह उपयोग लिया जाता है, तो उसकी वजह से ये वायरस सांप से इंसानों तक पहुंच गया है। कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये बैट जो चमगादड़ होते हैं या तो उनसे आया है, किसी और अन्य जानवर से ये इंसानों तक पहुंचा है। तो अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। बुखार आना, कफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस छोटी होना, यह सभी इसके सामान्यतः लक्षण हैं। वैसे आपको ये लगने में सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन इस स्थिति में आप इनको सामान्य ना समझें और तुरंत इसका चेकअप करवा लें। तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बचाव ही हमारे पास एकमात्र साधन है जिसकी मदद से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो बचाव के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि हॉस्पिटल जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या बाहर घर से बाहर जा रहे हैं और जहाँ क्राउडेड एरिया है या फिर कुछ पॉल्यूटेड टाइप का है, तो वहाँ पर मास्क पहन लें, क्योंकि ये वायरस हवाओं में भी फैलता है। जैसे कोई अगर कफ या स्नेज करेगा तो जैसे छींक दिया या खांस दिया तो ये वायरस जो भी है वो हवाओं में चल जाता है, और आप जैसे भी सांस भी लेंगे तो भी ये वायरस आपके अंदर एंटर कर जाएगा। तो मास्क लगा के जाएं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी खाना खाएं या पानी पिएं या किसी चीज़ को स्मेल करें तो उससे पहले आप अपने हाथ धो लें, क्योंकि अगर आपका हाथ किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर भी मेरा टच हुआ और यहाँ पर कोरोना वायरस थे, तो ये वायरस मेरे हाथ में आ गया और अगर मैंने स्मेल कर लिया तो ये वायरस अब मेरे अंदर चला गया और मुझे कोरोना वायरस वाली जो बीमारी है वो हो सकती है। तो अपने हाथ को वॉश करें, उसके बाद ही अपनी बॉडी को कहीं भी टच करें, खास करके फेस और जो भी आपका नोज है। और तीसरी चीज़, अगर कोई भी पेशेंट है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है जिसको सर्दी जुकाम या कफिंग कर रहा है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके पास ना बैठें, उससे क्लोज कॉन्टैक्ट ना रखें, उसको अवॉइड करें, उससे दूर जाकर के आप बैठें। चौथा पॉइंट, बिना मतलब के अपने हाथों को अपने नाक, आँख, मुँह पर ना लगाएं, क्योंकि अगर ये हाथ के अंदर वायरसेस हैं तो ये आपके डायरेक्टली एंटर हो जाएंगे। इसलिए अपने फेस को, अपने नाक को अपने हाथों से दूर रखें। और अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान बनाए हुए हैं कि भाई हम बाहर जा रहे हैं कहीं कहीं ऐसी जगह जो कि हाई रिस्क फैक्टर में चल रही है अभी करंट में, तो आप उस ट्रिप को कैंसिल कर दें, उस ट्रिप को बाद में ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उस जगह जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह के पेशेंट हैं और वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो ख़राब है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इसलिए ट्रैवलिंग इस टाइम पे अगर वो
हाई रिस्क जोन है तो वहां जाने के लिए कैंसिल करें। तो ये था कोरोना वायरस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता हूँ। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ नॉलेजफुल पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।